नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रा के ऊपर। दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड 9.50 का प्राइस चल रहा है, 10.47% का दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट है। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो 13.10% का अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, वो काफी बढ़िया दोस्तों मोमेंटम है। और एक साल के अंदर दोस्तों अगर बात करें तो 21.2% का मोमेंटम है। 5 साल के अंदर दोस्तों वेद दृष्टो काफी अच्छा किया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोस्तों 24% का दोस्तों डाउनसाइड मूवमेंट दिख रहा है दोस्तों। यानी कि ओवरऑल अगर किसी ने दोस्तों 2004 से इन्वेस्ट किया तो कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है दोस्तों। 2008 की तेजी में बहुत ही बढ़िया प्राइस मूवमेंट हुआ था, पर दोस्तों एक टाइम पे बहुत ही बड़ा पेनी स्टॉक भी बन गया था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों फंडामेंटल रेशियो के ऊपर तो जयप्रकाश एसोसिएट के फंडामेंटल रेशियो में मार्केट कैप जो है वो 2337 करोड़ का है दोस्तों। डेट टू इक्विटी 226 है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डेट देखिए दोस्तों 19,000 करोड़ का दोस्तों डेट है, वही सबसे बड़ा पैनिक और इश्यू है। बुक वैल्यू की बात करें 0.34 है, फेस वैल्यू 2 का है दोस्तों। इतना दोस्तों फंडामेंटल देखने के बाद इतना समझ में आता है कि ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क हाई में आएगा दोस्तों। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग के जरिए पैसा बनाना चाहिए दोस्तों। और एक बहुत बड़े लेवल के आसपास आया है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, बाकी जो कंपनियां हैं उसकी कैटेगरी में दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेप्थ है दोस्तों, तो एक बड़ा इश्यू है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो प्रो अच्छी बात है वो तो है ही नहीं, बट नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा है दोस्तों। स्टॉक इज ट्रेडेड एट 26.5 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी ऐसे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी ऐसे डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, लो रिटर्न टू इक्विटी रेशियो है, कंटेंप्ट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों, 7,863 करोड़ का है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 53 करोड़। तो दोस्तों डेप ये जो अपना टर्न अराउंड स्टोरी है वहां पे डाल सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे टर्न अराउंड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लॉस देखिए दोस्तों, पहले 9,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों लॉस था, वो भी कम किया है दोस्तों, ये साल भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दोस्तों आने वाले टाइम में कैसा रहता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों 38.70% का प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआईआई दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं तो काफी अच्छी साइन है। और 1.13% का दोस्तों होल्डिंग है। डीआईए के पास होल्डिंग 1.69 है, पब्लिक के पास होल्डिंग है 58.2, उसमें बड़ा जो दोस्तों होल्डर है वो 1.14 है, तो बाकी होल्डिंग किसके पास है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो इंडिविजुअल शेयर कैपिटल है दोस्तों, हमारे रिटेल भाई लोग है उनके पास 6,17,000 रिटेल शेयर होल्डर है, उनके पास 34.47% का दोस्तों शेयर होल्डिंग है। और इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 लाख जो है वो 382 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है और 10.28 है। तो टोटल मिला के दोस्तों निकाल सकते हैं कि 45% जो होल्डिंग है वो हमारे रिटेल लोगों के हाथों में आ गई है दोस्तों, तो काफी बड़ा अमाउंट हमारे रिटेल ब्रदर्स के हाथ में है दोस्तों। अब दोस्तों पहले रिलायंस इंफ्रा के चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसके ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जेपी एसोसिएट से पहले रिलायंस इंफ्रा में कल बताया था कि जो हाई लेवल है उसका क्रॉस करे 194 का था दोस्तों, ओपन ही हुआ दोस्तों स्टॉक 197 का हाई बनाया दोस्तों, लो बनाया 196 का। और फिर दोस्तों 2 ही मिनट के अंदर, ये मिनट का चार्ट है और 2 मिनट के अंदर दोस्तों आपको काफी अच्छा मोमेंटम मिल गया, बट उसके बाद धड़ाम करके नीचे आ गया था दोस्तों। तो शायद मुझे लगता है कि किसी को बाई करने की चांस ही नहीं मिला होगा दोस्तों। 179 के ऊपर आ चुका है, 2 लेवल का ब्रेकआउट था, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट था 148 पे। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर नीचे आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएसआई जो है हमारा वो 90 के आसपास चला गया और आज जो है आरएसआई वो हमारा 75 के आसपास आ गया है। अगर 1-2 दिन कॉन्सोलेशन दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि बड़ा बड़ा कैंडल बना, फिर साइडवे हुआ, फिर बड़े कैंडल बने दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार साइडवेज चला जाता है तो फिर एक बड़े अपों की दोस्तों संभावनाएं बन सकती है। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स के ऊपर दोस्तों, तो जेपी एसोसिएट्स। बट दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया रिलायंस इंफ्रा के ऊपर, वो है दोस्तों जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 262 का है दोस्तों। अगर आपने 150 के आसपास 148 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों होल्डिंग की है, वहां से की है ब्रेकआउट के टाइम से, तो दोस्तों आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 262 का टारगेट वेट करना है दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस हिट जो है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए हमने लेकर रखा है और हाई रिस्क स्टॉक है, उसमें कोई बेमत नहीं है, क्योंकि हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी पूरी पढ़ ली है दोस्तों। अब बात करते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स के
ऊपर दोस्तों, जय प्रकाश एसोसिएट्स में दोस्तों बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न दिख रही है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो लेवल निकलता है डेली चार्ट का दोस्तों, वो है 23.6% का लेवल है 12.22, और 38.2% का होल्डिंग का लेवल है 10.09। तो अब यहाँ पे ये लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये लेवल को टच कर दिया है आज स्टॉक ने, और वहां पे दोस्तों जब स्टॉक ने टच किया है तो दोस्तों आरएसआई जो हमारा है वो 74 है दोस्तों। पहले आरएसआई दोस्तों यहाँ पे बना था दोस्तों, तब भी 72 था जब हमारे इंपोर्टेंट लेवल 23.6% को टच किया था, फिर हमें कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी, यानी कि आरएसआई को बिल्कुल सपोर्ट करता है। और ये देखिए दोस्तों 71 था, उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूअस गिरावट आई, काफी अच्छे लेवल पे ऊपर गिरावट आई थी दोस्तों। उससे भी पहले दोस्तों आरएसआई जब दोस्तों बढ़ा था और बड़ा लेवल था, फिर उसके बाद भी दोस्तों वहां पे भी काफी अच्छी गिरावट आई थी, यानी कि ये स्टॉक जो है वो आरएसआई को फॉलो करता है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लेवल दोस्तों तोड़ नहीं पाएगा 10 रुपए का, और फिर नीचे हमें 8.30 के या 8.40 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट दोस्तों जब तक पिछली बार हमें हर बार देखने को मिला है कि आरएसआई का जो लेवल जो है 70 से अबव हो जाता है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे गिरावट आती है। और आज भी बड़ा दोस्तों प्रेशराइज बना है स्टॉक के अंदर, आप वॉल्यूम भी बहुत बड़ा बना है, बट बना है। और दोस्तों यहाँ पे जो इतने बड़े न्यूज जैसे कोई आए नहीं है दोस्तों कि जैसे दोस्तों ये लेवल को तोड़ दे दोस्तों और आरएसआई जो है वो 90 तक पहुंच जाए, तो अभी मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वेट करना चाहिए दोस्तों, 840 के आसपास आए तब दोस्तों उसको बाय कर सकते हैं दोस्तों, या तो फिर 10.10 का लेवल को तोड़ दे तब दोस्तों बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ना करने की सलाह रहेगी दोस्तों। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बिना बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।